दोस्तों और साथियों, आप हम लोग पहुंचे हैं सिवान जिला में। हमारे देश के आज विश्व भारतवर्ष में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती समारोह में सिवान के सिवान जिला लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसी क्रम में एक और हमारे जो माननीय श्री गणेश राम जी, जो समाज के सक्रिय रहते हैं और ये पेशे से अधिवक्ता बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस सबसे पहले तो मैं जो आकलन किया हूँ चैनल के सभी सदस्य ऐसा लग रहा है आपके चैनल के सभी जो बातें आई है बहुत दिन से और परम पूज्य भारत रत्न जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज 131 वर्ष पहले जन्म लिया, उस समय जन्म लिया जिस समय यहाँ पे मनुवाद का संविधान था, जिस समय लोगों को छुआछूत और इंसान को इंसान से दूरी बनाकर रखा जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन संघर्षों को संघर्ष करते हुए उन संघर्षों को झेलते हुए इस तालाब में कूदता पानी उस तालाब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब आज दुनिया के एक विद्वानों में से गिने जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति आदरणीय जी जब 300 वर्षों का इतिहास खंगारे तो सबसे वहाँ जो विद्यार्थी डॉक्टर अम्बेडकर को पाएगा वो आदरणीय बराक ओबामा जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर 21 फुट की एक बाबा साहब की मूर्ति लगाया और उसके नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर, यानी ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसको जिन्होंने 1927 में 1927 में